ये उस धरती की तस्वीर है जिसके 70% हिस्से पर पानी ही पानी है, लेकिन सुलगते आसमान के नीचे जब गला सूखता है तो पीने को 2 बूंद साफ पानी मयसर नहीं होता। आसमान से 50 डिग्री का टॉर्चर और नीचे इस गंदे पानी को पीने की मजबूरी, यकीन मानिए सांसों के लिए ये संघर्ष काला पानी की सजा से कम नहीं है। सूखे में पानी के लिए संघर्ष की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की हैं। जिले के आदिवासी बहुल ढावा गांव में हैंडपंप और कुआं तो पहले से ही नहीं है। पानी के लिए यहां लोग सालों से नदी नाले का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। आपके लिए ये हैरानी की बात हो सकती है कि नदी किनारे गड्ढा खोदकर ये लोग पानी का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये रोज का काम है। लोग पहले नदी के तटों की खुदाई कर गड्ढा बनाते हैं और उसमें रिस-रिस कर जो पानी जमा होता है उस पानी को साफ कर कर अपनी प्यास बुझाते हैं। ग्रामीण भी ये जानते हैं कि जो पानी ये पी रहे हैं वो दूषित है, लेकिन इस पानी से बेहतर पानी का उनके पास कोई विकल्प नहीं है। नदी के पानी में चीला आते आवत है बहाय के, चीला कीड़ा कड़ा कई, हाँ गुरु भी गिर जाते हैं, तन सब खत्म हो जाते हैं, तन सब तवा फिर कूद लेते। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में हैंड पंप नहीं है, ना कुआं भी नहीं है, हम नदी से ले जाके पी रहे हैं। उसमें बीमारी भी होती होगी? बीमारी भी हो जाती है कहीं तो, कीड़ा क्या क्या कहती रहती है उसको ले जाके पी रहे हैं। मध्य प्रदेश की जिस सरकार पर यहाँ पानी पहुँचाने की जिम्मेदारी है, उस सरकार के मंत्री से जब पानी को लेकर सवाल किया जाता है तो वो मानव और मानवता का प्रवचन सुनाने लगते हैं। ऐसे में भला सिस्टम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो सरकारी प्रक्रियाओं के तहत जो एक्शन प्लान बनेगा वो तो आप सब लोग जानते हो कि उसमें सरकार के नियम प्रक्रिया के अधीन होगा, पर मानवता के लिए जो जल की जितनी ज़रूरत है उस नाते सभी मनुष्य को सामाजिक रूप से भी इन चीज़ों में कोशिश करना पड़ेगा। जो कहते हैं जल ही जीवन है, वो मध्य प्रदेश के दामों की तस्वीर देखकर ये कहावत बदल देंगे, क्योंकि दामों में पानी जीवन देने की नहीं बल्कि जान लेने की वजह बन गया है। त्राही त्राही के कारण आदमी रात में भी, महिलाएं जाती हैं दिन में भी जाती हैं, इसलिए उनको पानी भरने से जी इनकार करते हैं, गाली गलौज देके भगा देते हैं और डंडा लेके दौड़ते हैं और हैंड पंप का चेन उतार देते हैं। दामों के ज्यादातर हैंड पंप और कुएं सूख गए हैं। जिन हैंड पंप्स में थोड़ा बहुत पानी आ रहा है उसे लेकर अब गांव वालों के बीच मरने मारने जैसी नौबत आ गई है। लोग पानी को लेकर अब थानों तक पहुँच रहे हैं। वहाँ एक मंदिर के पास एक हैंडपम्प है जिसपे कुछ कब्जा किए हैं, जो अभी पेयजल समस्या चल रही है, उनको पानी भरने में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी उसको जाके दिखवाते हैं और उसको मुक्त कराते हैं। कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मझगांव तहसील के लोगों ने कोई आविष्कार तो नहीं किया, हाँ पानी की प्यास बढ़ी तो धरती का सीना जरूर फाड़ डाला। जमीन को तब तक खोते रहे जब तक कि पानी का फव्वारा नहीं फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि सब लोग इकट्ठा होकर चलो खोद दो तालाब में। हम लोग सब लोग मिल करके एकजुट होकर के गांव में पानी निकाल लिए। 3 दिन लगा हम लोगों को, कुल हम लोग 53 आदमी थे। की तरफ से अगर कुछ मिल जाए तो मवेशियों को तो हो गया है, लेकिन हम लोगों को भी हो जाए पानी पीने के लिए। यानी जो काम सिस्टम के जिम्मे था उसे ग्रामीणों ने खुद ही अंजाम दे दिया। इसकी खबर स्थानीय प्रशासन को भी लगी, लेकिन हौसला अफजाई के लिए इस गांव में शिया इसकी खबर स्थानीय प्रशासन को भी लगी लेकिन हौसला अफजाई के लिए इस गांव में शर्म से आने की उनकी हिम्मत नहीं रही। बूंद बूंद के संघर्ष की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती जिले की हैं। यहाँ कुएं के मुनेर पर एक साथ कई लोग पानी भरते दिख रहे हैं, लेकिन कुएं से पानी कितना निकल पा रहा है वो भी देख लीजिए। कुएं में जितना लीटर पानी नहीं बचा है उससे ज्यादा संख्या में खाली बाल्टियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक आध घंटे में अगर बाल्टी पानी से भर भी जाए तो उसका रंग बता देगा कि वो पानी पीने लायक है या नहीं, लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ इसके अलावा चार महीना होगा मेरे को पानी की तंगी हो रही है यहाँ पे। अब पानी रहेगा तो सब कुछ है हमारा।
अब पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है, फिर ऐसे हम कैसे पब्लिक रहेंगे बता। हमको हर रोज 3 या 4 घंटा पानी में भरने में लग जाता है, और मार्च का महीना से हमारा मार्च का आधा से पानी खत्म हो जाता है, तो जून जुलाई तक पूरा पानी का प्रोग्राम आता है। अरे साहब, बहुत दिन से पानी का तकलीफ हमारे को, बाल बच्चे से लगा के तो पूरा रात बेरात हम पानी इधर उधर से लाते रहता, कुआं में जरूर थोड़ा सा पानी आते रहता, और दिन न रात को बाया लोगों को पूरा आंग में धूप ही धूप, और बड़े बड़े लोगों ने आगे का सामने वाले आके देख लेते और उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। मेलघाट में पानी का संघर्ष बहुत ही गंभीर है। यहाँ की महिलाओं को हर दिन का आधा समय पानी मिलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता, और जहाँ से पानी लाते हैं खास करके कुएं से पानी लाते, और कुएं गांव से 1-1 किलोमीटर 700-800 मीटर में दूरी पर है। पथरीले रास्तों पर पानी की तलाश की ये तस्वीरें बिहार के नक्सल प्रभावित जिले कैमूर की हैं। कैमूर जिले के चैनपुर और अघौरा ब्लॉक के 1000 फीट से ऊंचे पहाड़ पर बसे गांव में पानी की जबरदस्त किल्लत है। 1100 लोगों की आबादी वाले गांव में सिर्फ एक कुआं है जिसका पानी लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन प्यासे मरने से बेहतर ये बीमार करने वाला पानी ही सही। पानी के जो सरकारी टैंकर पहुंचते हैं उससे किसी को 2 डब्बा पानी मिल जाए तो खुशकिस्मती समझिए, क्योंकि टैंकर लौटने के बाद भी कईयों के डिब्बे खाली रह जाते हैं। एगो टैंकर आता पूरे गांव बाद दोनों डीह पर पानी आटत नहीं खे, एक टैंकर आटत नहीं खे, और कोई 2 डब्बा भरता, कोई 4 डब्बा भरता, कोई 1 डब्बा नहीं खे भरा। हम लोगों के पानी का प्रॉब्लम है, 2 डीह है, हम लोग पीने बिना बाल बच्चा जो पीते हैं पानी, नाला का पानी, वो बीमार हो जाते हैं। 90% हमारे जो गाँव में बीमारी की पानी चलते बीमारी के वजह से हम लोग दैनिक स्थिति में हैं। नल से लाल रंग का ये पानी पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर में आ रहा है। गर्मी शुरू होते ही जयपुर शहर के लोग भी पानी की किल्लत से पस्त हो रहे हैं। आलम यह है कि अब लोग खाली मटका लेकर सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं। जो तस्वीर कोटा शहर की चंबल किनारे बसे शहर की दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में सवाल खड़ा करती है, निगम से लेकर के प्रशासन तक, कि लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है। ये देख सकते हैं आपकी कोटा के रंगबाड़ी इलाके की ये बस्ती, और यहाँ पर लोग कीचड़ में, गंदगी में पीने का जो पानी है वो भरने के लिए लाचार है, भरने के लिए विवश है। क्या दिक्कतें होती हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता है पानी के लिए? साहब 7-8 घंटे रोज पानी भरना पड़ता है। ये देखो डिब्बे ले लेके इसी तरह से पानी भरना पड़ता है। रोज परेशान होते हैं पानी के लिए, सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 2 बज जाती, दिन में रात को भी 2 बज जाती, इतनी प्रॉब्लम है पानी की। हमें कीचड़ तक का पानी आता, कभी कभी नल में गंदा पानी आता, गंदा पानी पीना पड़ता है। आप देखेंगे कि लोग कितने लाचार है, विवश है, कि जरा जरा से पानी के लिए उन्हें किस तरह से संघर्ष है वो करना पड़ता है, किस तरह से पानी के लिए जद्दोजहद है वो करनी पड़ती है। और ये तस्वीर अपने आप में सवाल खड़ा करती है सिस्टम पर भी, कि कोटा शहर के कई इलाके पानी के लिए इतने लाचार हैं, इतने विवश हैं और इतने परेशान हैं। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया कोटा।